इतहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा लिहाजा खैर लॉकडाउन का दौर जारी है और रमज़ान इसी लॉकडाउन में आया हुआ है मस्जिद बंद हैं तो कई सारे लोगों के जहनों में कई सारे सवाल हैं हमारे साथ मुफ्ती तुफेल हैं मुफ्ती तुफेल साहब कई सारे सवाल आवाम की जानब से आ रहे हैं क्या आखिरी अशरा है ईद की नमाज़ घरों में होती है नहीं होती एहतिकाफ़ मर्द कहाँ करे मर्द घर में कर सकते हैं नहीं कर सकते तो इस ताल्लुक से आप थोड़ा नाजरीन को जो देखने वाले हैं उनको आप पैगाम दीजिए अलहमदिल्ला वाहत नबी اما بعد तमाम बिरादरान ने इस्लाम से ये अर्ज़ है कि ये अख़ीर अशरा बिल्कुल शुरू होने जा रहा है और रमज़ान खत्म के दहाने पर है बहुत ही मुतबरक महीना या रमजानमबारक का है हमें इसकी क़द्र करनी चाहिए जैसा कि हमारे इकबाल साहब ने दो तीन सवालात हमें किए हैं कि एहतिकाफ मर्द हज़र कहाँ करें दरअसल मर्द हज़र के लिए अहतकाफ़ की जगह मस्जिद है मस्जिद के अलावा उनका एहतिकाफ घरों में दुरुस्त नहीं है अलबत् ख़वातीन अपने घर में जो जगह मस्जिद के नाम से मौसू कर रखी हैं उस जगह पर वो अपना अहतका करें अलबत् इन हालात में लॉकडाउन में मस्जिद के अंदर मर्द हज़र मुकम्मल तौर से नहीं जा सकते और आखिर अशरे का मुअक्कदा महतकाफ नहीं कर सकते उनके लिए ज़रूरी है कि अपने घरों में बैठे हुए अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को इबादतों में गुजार करके एक एहतिकाफ की शक्ल ही की तरह जो है रहें और उम्मीद करें अल्लाह की दादाज से कि एहतिकाफ तो ना हो सका मस्जिद में मगर घर में इबादत करने की वजह से अल्लाह तबारक एहतिकाफ सवाब मरहमत फरमाएंगे इसकी दूसरी शिक ये है कि मस्जिद में बहरहाल एहतकाफ होना चाहिए क्योंकि यह सुन्नत अल किफाया है किसी मस्जिद में अगर कोई फर्द एहतिकाफ न करे तो सारे मोहल्ले वाले गुनहगार हो जाएंगे इसके लिए जिन हज़ार को हुकूमत की तरफ़ से दो पाँच लोग जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं उन्हीं में से एक दो हजार महतकफ़ बन जाएँ ताकि सारे महल वालों की तरफ़ से ये ज़िम्मेदारी अदा हो जाए दूसरा मसला नमाज ईद का है नमाज ईद जुमाही की तरह एक वाजिब नमाज है इसकी हकीकत ये है कि तमाम मुसलमान हज़ार अपनी शान शौकत से ईदगाह की तरफ़ निकलें जाम मस्जिदों की तरफ निकलें और जम करके वहाँ पर नमाज ईद अदा की जाए और अल्लाह के हदूर दुआ वार की जाए और जो इनाम एक महीने की मशक्क़तों और इबादतों और रियादतों का है वो ले के ख़ुशी खुशी अपने घरों को लौटें मगर इस इन हालात में अब लोग ईदगाह में जमा हो सकते हैं न हुकूमत की तरफ़ से मस्जिद में जमा होने की जो है वो इजाज़त है सोशल डिस्टेंस को सामने रखते हुए नजर रखते हुए चार अफराद एक इमाम हो और तीन मुख्त हो किसी जगह पर जमा हो करके नमाज ईद अगर अदा करना चाहें तो वह अदा कर सकते हैं बल्कि अक्सर घरों में जहाँ पर दो पाँच अफराद दस अफरा हों जमा हों और नमाज ईद अदा करें शर्त यह है कि वहाँ कोई अगर नमाज में मिलना चाहे तो उसके लिए मना की कोई सूरत ना हो दरवाज़ा करीब खुला रखें ताकि कोई फ़र्द जो है वो सुने खुतब ईद को वह आकर के जो है उस नमाज़ में शर्क हो तरीक़कार यही है कि इमाम दो रक़ात मुख्तर नमाज़ पढ़ाए वाजिब नमाज उसके बाद दो खुतबे दें मंबर न होने की सूरत में कुर्सी पर बैठें और खुतबा इस तरीके से दें कि थोड़ा सा हमद हमदोसलात यानी अल्लाह की हमद व तस्बी बयान की जाए और दो आयात पढ़ी जाए और पहला खुतबा इस तरीके से हो गया दूसरे खुतबे में भी रसोल्ला सल्ला वसलम पर हमदो सलात अल्लाह की हमद के बाद नबी पर दरुद भेजने के बाद कुछ आयात पढ़ी जाए और दूसरा खुतबा इस तरीके से ख़त्म किया जाए तो नमाज ईद अपने घरों में इस साल अदा की जाएगी तीसरा सवाल हमारे भाई ने यह कहा कि आखिर अशरे में क्या करें कि देखिए मुबारक मुकम्मल तौर से इबादत का महीना है रोज़ा इसका सवाब अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अना अज़ज़ा भी इसका बदला तो ख़ुद मैं हूँ इससे बढ़ करके और क्या फजीलत की बात होगी रोज़े के साथ में तरावीह का अहतमाम करें क़ुरान के सुनने का अहतमाम करें तीसरी चीज़ अख़ीर अशरे में शब क़द्र की तलाश करें शब क़द्र की तलाश में मैं आप के सामने तीन बातें कहना चाहूँगा नंबर एक शब कद्र के लिए दुआ मांगें अल्लाह तबारक ताली हमारी ज़िंदगी को इतनी तवील करें उम्र में इतनी बरकत दे कि अल्लाह ते शब क़द्र जो है मिल जाए दूसरा ये करें कि इशा की नमाज बात अदा करें और फ़ज्र की नमाज़ बाजात अदा करें जो हजरा घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं अपने बच्चों के साथ अपने भाइयों के साथ अपने वालदे के साथ में नमाज बाजात इशा की और फज्र की अदा करें हदीसी पाक में आता है जिसने नमाज इशा और फज्र बाज़त अदा की गोया मुकम्मल रात उसका सवाब में लिखा जाएगा तो ये दूसरा तरीक़ा हुआ तीसरा तरीका ये हुआ कि रात के किसी हिस्से में उठ के अल्लाह रबुल्जत से दुआ करें और चंद रखातें तहजद के पढ़ लें इस तरीके से जिन रातों में शब कद्र होगी इन शकम्मल तिरासी साल इबादत का स्वाब उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा उसकी शिक जोड़ने का तरीक़ार ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारा ने तीन मकामात पर लैलतुल कद्र का तस्करा किया है जैसे इन इन लैलतुल कद्र इंजल्लाफी लतुल्क़द्रंजल्लाफी लैलति मुबारक वो वह वहाँ पर जो है तीन मरतबा कद्र के लफ्ज़ से अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र का तस्करी फरमाया अब हम देखेंगे लैलतुल कद्र में नौ हरूफ़ हैं लैलह में चार हरफ हैं अल कद्र में पाँच हैं अगर इन नौ को नौ हरूफ को अगर उन तीन से अगर ज़रब देंगे तो सत्ताईस होते हैं तो मालूम यह होता है सलफ साल का कहना यह है कि आखिर अशरे में तलाश की जाए आखिर अशरे में भी ताक रातों में और खसूसियत के साथ सत्ताईस की शब में ये नई हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि सत्ताईस में ही होगी मगर सत्तईस की बात को सलफ साल ज़्यादा लेते हैं तो उन रातों में जागने का और घरों में रह कर के कयाम करने की कोशिश करें और आखिरी बात जो करने का जो काम है इन बचे हुए अयाम में हजू सलील वसम रमदान मुबारक के महीने में आप तो वैसे ही जवाद जवादो सखी थे ही थे मगर रमदान के बारे में बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप तेज़ हवा की तरह जो है सखी बन जाते थे तो हम सबको भी हम आपकी उम्मत ही हैं तो हमें चाहिए कि अपने जेब को खोल दें और लोगों पर ख़र्च करें पांच चीज़ें हजू सलील आल वसम ने फरमाई कि जो इस पर अमल करेगा कल क़ियामत में जन्नत में क्रिस्टल का महल उसको दिया जाएगा मोती का महल होगा जहाँ आदमी बैठ कर के अपने सारी जन्नत के नज़ारे को देखेगा कितनी नसीबी है उस मुसलमान के लिए जिसे जिन्हें रब्बुल इज्जत तो और क्रिस्टल का जो है वो महल अता करें हजुर ने फरमाया नंबर एक कलाम बात बिल्कुल नर्म करें हर मुसलमान चाहे अपने मुसलमान से हो या किसी कौम से बात करें मीठी बात करें अपनी जबान को शगुफ्तगी और शाइस्तगी के साथ नर्म अंदाज में इस्तेमाल करें नंबर दो अतमतम खाना खिलाएं खाना खिलाने की इस्लाम में बहुत जो है वो फजीलत बयान की गई है और ये वो दौर है लॉकडाउन का कि यहाँ पर जितना हम खिलाएंगे अल्लाह की तरफ़ से हमारे लिए रिस्क के दहान अल्लाह खोल देंगे तो खूब रमदान के महीने में खाना खिलाना चाहिए सलफे सालिहीन में से एक साहब का कौल है कि मुझे इस बात को पसंद है कि मैं मेरे दस दोस्तों को बुलाऊँ और उस दस दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें मैं खाना खिलाऊं मुझे इस बात से ज़्यादा बेहतर है कि मैं बनी इस्माइल के औलाद में से दस ग़ुलाम को आज़ाद करूं कीजिए कि खिलाना कितनी बड़ी नामियत है नंबर तीन अफशलाम सलाम सलाम को खूब रिवाज दिया जाए नंबर चार वेस्याम रोजों की मुकम्मल ताबेदारी करें जो है एक के बाद दीगरे मुकम्मल रोजों की जो है वो पाबंदी करें और नंबर पांच जो है आ, सलुबिल्ली वन ना सुनीम रात की तन्हाई में उठ करके चंद्रकात उस वक्त में पढ़ लें जब सारी दुनिया सो रही हो जब एक पांच काम इंसान करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे क्रिस्टल का मोतियों का महल जन्नत में अदा करें अता करेंगे तो ये आखिर अशरे में करने का काम ज्यादा से ज़्यादा इबादतों को करें अपने अवकात की जो है वो ज़ाया होने से बचाएँ घूमने फिरने से बचें इस तरीके से एक अपील हमारे मुसलमान ताजर हजरात से ये है कि जिस तरीके से हम अमा कराम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मार्केटिंग न करें तिजारत, ख़रीद और फरोख्त तो न करें मुसलमान उन भाइयों से भी हमारी अपील ये है कि जिन लोगों की दुकानें अपनी दुकानों को जो है रमदान मुबारक के खत्म तक बंद रखें रजाक अल्लाह रबुलत रोज़ी देगा जैसे अक्सर इलाकों में मुसलमान ताजरों ने इस बात का तहैया कर लिया कि हम रमज़ान में दुकान ही नहीं खोलेंगे जब हमारे भाई दुकान ही नहीं खोलेंगे तो जो है वो ख़रीदार हजरात भी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो ये हमारी मुद्दबाना मुसलमान भाइयों से अपील है अल्लाह ताली से दुआल्ला तबारक ताली हमारे इस बचे हुए रमदान को बहुत ही कदरदानी के साथ और उसको उसूल करने के साथ में जो है गुजारने की तोफ़ीक नसीब फरमाए वाखर उदावनली रब